तो गाइस अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर जा रहे हैं हम स्टोर करने, क्योंकि हमारे पास 2 GB लगी हुई है इसमें ऑलरेडी, और अभी हम कम कर रही थी क्लास में 2 GB और लेकर आए हैं, जो आप देख सकते हैं गारंटी में 1 ईयर की, और अभी इसको इंस्टॉल कर लिया है। आज की वीडियो में जा रहे हैं हाउ टू इंस्टॉल एंड रैम इन एन एम। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे पास रैम को पहले दिखा दे, आपको एक्सप्लोर पर जाना है, यहाँ से आपको सिंपली कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज़ पे जाके प्रॉपर्टीज़ चेक करना है। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास इंस्टॉल्ड रैम 2 GB है, ठीक है। सो नाउ अब हमें 2 GB और एडिशन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्रेश करके आई एम गोइंग टू सेटिंग डाउन दिस कंप्यूटर। फिर से ओपन कर लेना है, और मैंने सबसे पहले आपको बैटरी रिकवर कर लेनी है इसकी दोबारा से, ठीक है। आपने मैंने इसको पहले ही खोल रखे हैं और अभी आप इसको हटा सकते हैं खोल देते हैं। तो कोई सा भी आपका लैपटॉप होगा वहाँ पर आपको इन रैम के यहाँ तो स्लॉट मिलेंगे, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी मेरे पास एक लगी हुई है और मैं दोबारा एक न्यू इंस्टॉल करना चाहता हूँ, देख सकते हैं आप ये रैम है और मैं इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, ये जो रैम लगी हुई है इसको आप ऊपर नीचे लगा सकते हैं। एक मैं और एडिशन करने जा रहा हूँ, जो कि अभी मुझे इसको एक स्लॉट ये आपको मिलेगा यहाँ, ये वाला स्लॉट जो होगा ये मिलेगा, ठीक है। इसको सिंपल से आपको लगा के हल्का सा प्रेस कर देना है, ठीक है। ये जो लॉक है ये दोनों लॉक इसमें फंस जाने चाहिए, और इसको थोड़ा सा अंदर करने की भी आपको नीड नहीं है, खुद ही होगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, एक बार कवर ऑफ कर लेते हैं, इसको लगा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कंप्लीट कर लिया, मैं इसको कंप्लीट करने को कर देता हूँ, लॉक भी चेक कर लेते हैं इसको। लगा चुके हैं, सो हमारा लैपटॉप रेडी है एक न्यू लैपटॉप में कन्वर्ट होने के लिए। करना कुछ नहीं है, सिंपल आपको, और इसकी बैटरी जा चुकी है हमें चार्ज, ठीक है। हम इस फोन करने जा रहे हैं, हमें चार्ज कनेक्ट कर लिया है, लैपटॉप ओपन ऑन हो चुका है। तो अब देखते हैं हमारी क्या कुछ चेंजेस हुआ है, तो मैं इस टाइम आपको दोबारा प्रॉपर्टी को लेकर जाऊँगा, थोड़ी लोडिंग लेगा और उसके बाद जो अभी मैं शॉर्टकट आपको यूज़ करके बता रहा हूँ, एक विंडो होता है, विंडो बटन के साथ जैसे भी पोज लिखा होता है पोज ब्रेक वाले बटन प्रेस करना है, ठीक है। अगर एक कंट्रोल के साथ चल रहा है तो कंट्रोल के साथ, अदरवाइज एफ एन करके आप इसको इनेबल कर सकते हैं, एफ एन विंडो और पोज ब्रेक। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली हम सक्सेसफुली सिम इंस्टॉल कर चुके हैं, 2 GB रैम और ऐड कर ली है। सो अभी ये लैपटॉप पहले से काफ़ी बेस्ट स्पीड दे रहा है, और अभी इसमें और भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें मोर वीडियोज़ के लिए, और इस तरह के सॉल्यूशन को पाने के लिए रेगुलर हमारे चैनल पर बने रहें।